स्टूडेंट्स, आज हम बीएड सेकंड ईयर का नाइन्थ पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा, जिसकी क्या है, हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट के हमने फोर लेक्चर या फोर टॉपिक अपने क्लियर कर लिए हैं। तो फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फोर्थ लेक्चर के अंदर हमने किया था पठन पोषण, जिसे हम वाचन पोषण भी बोलते हैं, रीडिंग स्किल जिसे बोलते हैं। तो मैंने पठन या वाचन का आपको अर्थ बताया, फिर उसके उद्देश्य बताए, वाचन के प्रकार बताए कितने प्रकार का होता है, फिर इसके कुछ नियम बताए और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं और वाचन के अंदर जो त्रुटियां आ रही हैं उनको दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, ये हमने लेक्चर नंबर फोर्थ के अंदर पठन कौशल रीडिंग स्किल अपनी क्लियर की। अब लेक्चर नंबर फाइव के अंदर हम करेंगे, अगली हमारी स्किल है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, जिसे बोलते हैं स्किल ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का अर्थ, हम अपना जो भी है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि पूछा क्या गया है। तो आज हम इसके लिए कर रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, तो हम इसका पहले अर्थ क्लियर करेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ है क्या। तो अर्थ मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, कि प्रत्येक व्यक्ति चिंतनशील शरीर प्राणी और भावुक देखे द्वारे प्रत्येक भावुक चिंतनशील और सजीव प्राणी अपने भावों का बाह्य अभिव्यक्ति देता है। जो प्रत्येक प्राणी है इसके तीन साधन है, वो कौन कौन से हैं, संकेत, उच्चारण और लेखन। अब जो मानव है, मानव प्राणी है, वो क्या है, इन तीनों का प्रयोग करता है, किंतु संकेतिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, मानव है, संकेत, उच्चारण और लेखन तीनों का प्रयोग करता है, एक मानव ही ऐसा प्राणी है। जैसे संकेतिक अभिव्यक्ति का माध्यम है अंग संचालन और भंगिमा। तो जब बालक जन्म लेता है, बालक के हम जन्म लेने से ही शुरू करते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो वो क्या है, पहले बोलना स्टार्ट करता है, फिर क्या है, धीरे धीरे वो क्या है, पढ़ना स्टार्ट करता है, भाषा से रिगार्डिंग अपने दूसरे काम स्टार्ट करता है। तो पहला जो क्या है मौखिक अभिव्यक्ति स्टार्ट होती है, जिसे क्या है, एक मानव ही, एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, दूसरों के सामने जो विचार व्यक्त करने हैं दूसरों के सामने क्या है वो पेश करता है, वो किसके द्वारा है, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा है। जो भाषा के दो रूप माने गए हैं, लिखित और मौखिक। तो मौखिक क्या है, दूसरों को जो भी अपने दूसरों के सामने जो भी अपने विचार व्यक्त करने हैं वो क्या है, मौखिक रूप के अंदर आता है। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो मौखिक रूप में न कहकर वो क्या है, लिखित रूप में कहता है। तो ये किसके अंदर आता है, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के अंदर आता है। अब इससे रिगार्डिंग मैं आपको एक डेफिनेशन देती हूँ, एक परिभाषा देती हूँ, किसने कहा है, प्रोफेसर रमन बिहारी के अनुसार, कि मानव अपने विचार, भाव और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस समाज समस्त ध्वनिया संकेत साधन समुच्चय का प्रयोग करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब मैं दोबारा एक बार फिर जो डेफिनेशन प्रोफेसर रमन बिहारी के अनुसार कही गई है मैं एक बार आपको दोबारा क्लियर करती हूँ, कि मानव अपने विचार, अनुभवों एवं अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस समाज समस्त ध्वन्यात्मक संकेत साधन समुच्चय का प्रयोग करता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब मौखिक भाषा के अंदर वो क्या है, दो रूपों के अंदर क्लियर करता है, एक तो होता है कहकर या बोलकर, दूसरा होता है लिखकर। अब ये कहकर या बोलकर वो किसके अंदर आता है, मौखिक के अंदर आता है, लिखकर वो क्या है, लिखित भाषा के अंदर आता है। तो जो आज हमारी लाइफ के अंदर हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, जीविका जो रोजी रोटी के साधन कमा रहे हैं वो किसके द्वारा है, सारा लिखित सामग्री के द्वारा नहीं है, वो क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति के ही द्वारा संभव है। तो मैंने आपको दो पॉइंट क्लियर करवाए कि दो पॉइंटों के द्वारा क्लियर है, जो मौखिक अभिव्यक्ति है कहकर या बोलकर, दूसरा है लिखित
भाषा के अंदर। तो ये हमारा यो क्लियर हुआ मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। अगला जो हमारा पॉइंट है मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। अब मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व इसे भी क्या है, हम अलग अलग पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे। जैसा स्टूडेंट आपको पता है कि मौखिक अभिव्यक्ति है जो मानव के लिए बहुत अनिवार्य है। जिस प्रकार जो मानव के लिए है खाना पीना सोना बैठना जरूरी है, उसी प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति भी बहुत जरूरी है। हर काम उसे क्या है, लिखित सामग्री के रूप में ही दूसरों के सामने नहीं रखा जा सकता है। कुछ ना कुछ ऐसे कार्य है जो इंसान दूसरों के सामने मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही करता है। हम इसे भिन्न भिन्न पॉइंटों के द्वारा क्लियर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। फर्स्ट पॉइंट है दैनिक जीवन में मौखिक मौखिक अभिव्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। अब दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व कैसे देखिए स्टूडेंट, कि हमने अपने दैनिक जीवन के अंदर जो भी कार्य करने हैं, यहाँ तक कि देखिए हमारे दैनिक जीवन में जो कार्यकलाप मौखिक अभिव्यक्ति पर ही निर्भर करते हैं, छोटे से छोटा काम मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही किया जाता है। अब हम जिस गांव के अंदर जिस शहर के अंदर रह रहे हैं, अगर हमने अपने आस पड़ोस के वातावरण से चाहे अपने आस पड़ोस का जो हमारा परिवार है समुदाय है, अगर हमने वहां से कुछ लेना है तो वो किसके द्वारा लिया जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही लिया जाएगा। इवन तक कि अगर हम अपने घर के किसी मेंबर को चाहे वो बच्चा है चाहे वो हमारे बड़ा है, तो हमने उसे क्या है दुकान तक किसी चीज को मंगवाने के लिए भेजना है, तो बच्चा दुकान पर जाकर किसके द्वारा वो चीज मांगेगा, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही मांगेगा। तो जो दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का हमारे लिए बहुत महत्व है। मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, आदेश निर्देश देने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का ही प्रयोग करते हैं। तो मौखिक जो अभिव्यक्ति है, अगर मौखिक अभिव्यक्ति ना होती, अगर हम बोल ना पाते, तो हमारा जीवन है वो क्या है, बिल्कुल सुनसान बनकर रह जाता। अगला पॉइंट है व्यवसायिक कार्य में सहायक। अगला पॉइंट है व्यवसायिक कार्य में सहायक। अब व्यवसायिक कार्य में सहायक कैसे देखिए स्टूडेंट, कि विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत महत्व है। जबकि विभिन्न व्यवसायों में संबंधित कई कुछ जो पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, और हमें क्या है उनसे संबंधित हम जो जानकारियां उपलब्ध कर सकते हैं वो किसके द्वारा कर सकते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर हम जो पुस्तकें छपी हैं हमारे व्यवसायिक कार्यों में, अगर हमने उनका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, कॉलेज लेवल पर लगा लो, आप स्कूल लेवल पर लगा लो, अगर हमने किसी दूसरों को देकर आनी है, जब वो बच्चा पढ़ता है या कोई बड़ा पढ़ता है, वो किसके द्वारा संभव है, मौखिक व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। तो जो कार्य है हमारा डेली की दिनचर्या है जीवन से लेकर मृत्यु तक, मौखिक व्यक्ति के द्वारा ही वो संभव है। अगला पॉइंट है कहानी सुनना या सुनाना। कहानी सुनना या सुनाना। कहानी सुनना या सुनाना। अब एक टीचर क्या है कक्षा के अंदर कहानी सुनाता है तो बच्चे उसे अच्छे से सुनते हैं, तो ये मौखिक व्यक्ति के साथ साथ क्या है उसके श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल का भी उसका विकास हो रहा है। तो बच्चे एक टीचर को क्या है कहानी सुनाने के साथ साथ बच्चों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि बच्चे स्टूडेंट आप भी आगे आकर क्या है कहानी सुनाओ, तो इससे क्या है बच्चे के अंदर जो जिद है वो दूर होती है, आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है कि मैंने दूसरों के सामने इस कहानी को मैंने किससे सुनाना है जो मेरे टीचर ने सुनाई है।
इससे क्या है, किसके द्वारा संभव है, मौखिक व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। अगला पॉइंट है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन, अब चित्र वर्णन हम क्या है, स्टूडेंट को बोल देते हैं कि बेटा ये चूहे की तस्वीर है या गाय की तस्वीर है, क्या है काऊ की तस्वीर है, तो बच्चे आप अपने कुछ शब्द देकर उस चित्र को दिखाकर कि कुछ शब्द देकर क्या है इसे एक्सप्लेन करो। तो चित्र के माध्यम से ही क्या है बच्चा गाय के बारे में एक्सप्लेन कर सकता है कि गाय का जो हमारे जीवन में क्या महत्व है, गाय के दो सींग होते हैं, पूंछ होती है, चार टांग इसके थन होते हैं, चार इसकी टांगे होती हैं। तो ये किसके द्वारा संभव है, मौखिक व्यक्ति के ही द्वारा संभव है। अगला पॉइंट है फिफ्थ, इसके अंदर कविता पाठ। कविता पाठ कि जब बच्चा एज के अंदर छोटा होता है तो उसे क्या है कविता सुनना और सुनाना बहुत पसंद होता है। तो बच्चा बच्चे को क्या है कविताएं सुनाने के लिए चाहे एक अध्यापक ही बच्चों को एक्सप्लेन करवा रहा है तो वो सारा किसके द्वारा संभव है, मुक्त व्यक्ति के द्वारा संभव है। ये तो नहीं है कि लिखित सामग्री के द्वारा बच्चे को कविता सुनाई जाए, नहीं, बच्चे क्या है सिर्फ देखते ही रह जाएंगे, उसमें क्या है मुख्य व्यक्ति का अभाव आएगा। तो कविता सुनना और सुनाना इस एज के अंदर बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चों को क्या है मोटिवेट करना चाहिए, शाबाश वेल डन आदि जो शब्द हैं बच्चों के लिए यूज करने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर आगे आकर कविता सुनाने का उत्साह पैदा हो, झिझक दूर हो, आत्म सम्मान की भावना उनके अंदर पैदा हो। तो अगला हम करते हैं मुख्य व्यक्ति के उद्देश्य, अगला पॉइंट है हमारा उद्देश्य। ये क्या है, हम पॉइंटों के द्वारा ही क्लियर करेंगे स्टूडेंट। आगे हम अगला जो हमारा पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए मौखिक व्यक्ति के महत्व के अंदर। अगला पॉइंट है उद्देश्य। उद्देश्य के अंदर हम क्या है पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे कि इससे स्पष्ट हो चुका है कि मौखिक व्यक्ति का हमारे दैनिक जीवन में जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत महत्व है। विद्यालयों में मौखिक भाषा की औपचारिक शिक्षा नितांत आवश्यक है। औपचारिक अगर शिक्षा हमने विद्यालयों के अंदर लेनी है तो वो किसके द्वारा संभव है, मौखिक व्यक्ति के ही द्वारा संभव है। इस संदर्भ में मौखिक भाषा के निम्नलिखित उद्देश्य गिनवाए गए हैं, वो कौन से उद्देश्य गिनवाए गए हैं, हम उनका क्या है वन बाय वन वर्णन करते हैं कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाए कि वे अपने भावों और विचारों को सहजता से दूसरों के सामने पेश कर सके, विद्यार्थियों को बोलने की झिझक और संकोच दूर करने का हर संभव प्रयत्न या हर संभव उद्देश्य जरूर एक टीचर का बालक के प्रति होना चाहिए। अगला पॉइंट है कि विद्यार्थियों के अंदर यह योग्यता उत्पन्न करनी चाहिए कि पूछे गए प्रश्नों को वो क्या है मौखिक व्यक्ति के द्वारा ही स्पष्ट कर सके या क्लियर कर सके। विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। विद्यार्थियों के अंदर इन गुणों को विकसित किया जाना चाहिए कि वो तर्कपूर्ण और विवेकशील शैली में अपनी बात कह सके। वो किसके द्वारा संभव है, मौखिक व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों को यह शिक्षा देनी चाहिए कि उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग करके योग्यता प्राप्त कर सके। ये किसके द्वारा, जो ओवरऑल हमने उद्देश्य के अंदर बातें की हैं, एक सफल वक्ता बनने की, उसके अंदर हर झिझक दूर करने की, एक विवेकपूर्ण व्यक्ति बनने की, किसके द्वारा संभव है स्टूडेंट, ये मुक्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है। ये हुए इसके उद्देश्य। अब हम करते हैं इसके अंदर इसकी विशेषता, मुक्त व्यक्ति की विशेषता। ये क्या है स्टूडेंट, हम पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे इसके अंदर भी कि जो विशेषताएं हैं, जो मौखिक व्यक्ति की विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं हैं जो उनके लिए भी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर हम फर्स्ट जो पॉइंट करते हैं स्वाभाविकता। फर्स्ट पॉइंट है स्वाभाविकता। फर्स्ट पॉइंट है जो स्वाभाविकता। स्वाभाविकता को हम
जो क्या है वर्णन करते हैं, पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं इसे कि मौखिक व्यक्ति के अंदर स्वाभाविकता होनी चाहिए, बोल चाल में कृत्रिम भाषा का प्रयोग अस्वाभाविक और अव्यवहारिक होता है। कि जो भी बच्चा बोल रहा है उसके अंदर क्या है स्वाभाविकता होनी चाहिए, कृत्रिम भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा कृत्रिम, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हम दूसरों के सामने क्या है मजाक के पात्र बनते हैं। दूसरे हमें क्या है एक हीन भावना से कि इस बच्चे को बोलना नहीं आता है, जो इस वो क्या है अच्छा वक्ता ही नहीं है। तो मौखिक व्यक्ति के अंदर स्वाभाविकता होनी जरूरी है, अटक अटक कर ना बोलने की बजाय एक आर्टिफिशियल दूसरों को उसका लेक्चर ना लगे, तो बच्चे की मौखिक व्यक्ति के अंदर रियलिटी होनी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्पष्टता। इसी के अंदर अगला पॉइंट है स्पष्टता। ये हम बात कर रहे हैं विशेषताओं की, विशेषताओं की स्टूडेंट बात कर रहे हैं, तो अगला पॉइंट आ जाता है स्पष्टता। स्पष्टता के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? स्पष्टता देखिए कि उच्चारण की शुद्धि का वर्षक क्या है ध्यान रखा जाए, क्योंकि हिंदी भाषा में वो शो शो आदि वर्णों का क्या है आदि जो वो शब्द है इनका यूज होता है। अगर एक टीचर या स्टूडेंट इन जो वाक्यों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग वाक्यों का उच्चारण है, अगर वो उसे अच्छे से नहीं बोलेगा तो भी वो क्या है दूसरों के सामने मजाक का पात्र बनेगा। तो एक टीचर को एक बालक को क्या है अंदर स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। तो इसी के अंदर स्पष्टता के अंदर ही हम पॉइंट क्लियर कर रहे हैं कि जो भी एक शिक्षक और एक बालक दूसरों के सामने बोल रहा है उसे घुमा फिराने की बजाय जो भी बोला जाए वो क्या है स्पष्ट बोला जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर आता है कि भाषा में गतिशीलता होनी चाहिए, जो ना तो वो अधिक त्रिप बोल रहा हो ना अधिक मंद बोल रहा हो, जो भी बोल रहा है वो क्या है अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए। गतिशीलता इतनी भी ना हो कि सामने वाले को बिल्कुल समझ ही ना आए। अगला पॉइंट है इसके अंदर शुद्धता। अब शुद्धता की हम बात करते हैं, शुद्धता जो मैंने पॉइंट की है इसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो शुद्धता है मौखिक व्यक्ति में प्रयुक्त की गई भाषा व्याकरण और उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। भाषा की शुद्धता को वक्ता क्या है हास्यास्पद स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। अगर जो भाषा का उच्चारण वो सही नहीं कर रहा, भाषा की अंदर जो उच्चारण कर रहा है वो उसके अंदर शुद्धता नहीं है, जैसे मैंने अभी वर्ड पहले आपको बताया बो वो सो शो आदि जो वर्ड है वो अच्छे से सही नहीं बोल रहा, दोनों को मिक्स कर रहा है, तो वो क्या है हास्यास्पद स्थिति के अंदर आकर खड़ा हो जाएगा, जिसके अंदर वो दूसरों के सामने हास्य का पात्र बन सकता है। भाषा का क्या है अच्छी तरह से अच्छी ध्वनियों शब्द संकेतों के द्वारा क्या है अच्छे से शुद्धता उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है मधुरता। मधुरता की बात करते हैं हम कि जो सामने वक्ता है या टीचर है उसकी जुबान में इतनी मिठास होनी चाहिए कि हर बच्चा उस टीचर के पास उस वक्ता के पास बार बार क्या है मौका ढूंढे कि मुझे उस टीचर का लेक्चर अटेंड करने का कब मौका मिलेगा, उसकी वाणी मुझे कब सुनने को मिलेगी। अगर किसी टीचर की आवाज कर्कश है, आवाज के अंदर मिठास नहीं है, तो कोई भी टीचर की ना तो अपना स्टूडेंट बालक उसे सुनना पसंद करेंगे, ना ही और जो उसके टच के अंदर कोई लोग आते हैं उसे सुनना पसंद करेंगे। तो जो बच्चे के अंदर या एक टीचर के अंदर इतनी वाणी में मिठास होनी चाहिए कि बार बार हर कोई उसका लेक्चर सुनने के लिए मौका ढूंढे। तो यहाँ पे मैं एक आपको कबीरदास के लाइनें कुछ लिखी हुई आपको बताती हूँ कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, और इनको शीतल करो आपको शीतल होए। तो वाणी के अंदर इतनी मिठास होनी चाहिए कि अपने को तो बंदा क्या है शीतल करे करे, जो उसके टच के अंदर आए जो उसके संपर्क के अंदर आए उनको भी शीतल करे। वाणी के अंदर इतनी मधुरता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है गतिशीलता।
गतिशीलता, जैसे हम दूसरे पॉइंटों के अंदर भी क्लियर कर चुके हैं कि गतिशीलता भाषा के अंदर कैसे गति मुख्य व्यक्ति के अंदर गतिशीलता भी होना बहुत जरूरी है, जो क्या है हमारे आत्मविश्वास का सूचक है, हमारे क्या है आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो मौखिक व्यक्ति, चाहे वो टीचर बच्चों के सामने कोई लेक्चर दे रहा है, चाहे एक वक्ता है जो बाहर हम किसी जगह पर जाकर किसी भी वक्ता का भाषण सुनते हैं, तो उसके अंदर गतिशीलता होनी चाहिए। इससे क्या है, एक तो उसे सभ्य को क्या है अपना पता चलेगा कि मेरी गतिशील जो मौखिक व्यक्ति है वो मेरी आत्मविश्वास का ही सूचक है। अगर उस वक्ता के अंदर, उस शिक्षक के अंदर गतिशीलता नहीं है, वो अटक अटक कर बोल रहा है, तो वो क्या है नेचुरली दूसरों के सामने मजाक का पात्र बनेगा। अगर उसके भाषण के अंदर, उसकी वाणी के अंदर इतनी गतिशीलता है कि वो जो अपना टॉपिक है, जो अपना लेक्चर है, जो भी कुछ उन्होंने अपना विषय लिया है, वो इतने अच्छे से क्लियर कर रहा है, तो वो क्या है दूसरों की नजरों में उतना ही ऊंचा उठेगा। तो इस प्रकार भाषा के अंदर क्या है गतिशीलता होनी भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं मौखिक व्यक्ति को कुशल बनाने हेतु विभिन्न अवसर। अगला जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट, मैं इसको रफ करती हूँ जो इसके हमने पॉइंट अलग अलग क्लियर करें। अब हम बात करेंगे अगला कि मौखिक व्यक्ति को कुशल बनाने के, मौखिक व्यक्ति को कुशल बनाने हेतु विभिन्न अवसर, कि जो मौखिक व्यक्ति है उसको कुशल बनाने के लिए हमें किन किन अवसरों का या क्या प्रयोग करना चाहिए। पहले तो हम इसके अंदर पॉइंट ले लेते हैं प्रश्नोत्तर, पॉइंटों के द्वारा ही इसे क्लियर करेंगे। प्रश्नोत्तर की, प्रश्नोत्तर की बात आई है अब कि एक अध्यापक को क्या है कक्षा के अंदर मौखिक शिक्षण प्रदान करने के लिए उत्तम विधि है, कौन सी विधि है प्रश्नोत्तर। तो जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसे अपना टॉपिक पूरा करने से पहले बीच बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, ताकि मौखिक व्यक्ति का एक साधन बना रहे टीचर और स्टूडेंट के अंदर। तो इससे क्या है ये कक्षा के अंदर अपना टाइम है और भी इंटरेस्टिंग बनेगा, जो लेक्चर है और भी इंटरेस्टिंग बनेगा, और बच्चों के अंदर क्या है मौखिक व्यक्ति की जो क्लैरिटी है, जो स्पष्टता है, जो शुद्धता है, वो और भी अच्छी बनेगी। अगला पॉइंट है वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता। अब वाद विवाद प्रतियोगिता है कि जो कक्षा के अंदर दो पक्षों के अंदर विवाद विवाद करना चाहिए, एक कक्षा को दो पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया जाना चाहिए, दोनों में क्या है डिबेट शुरू कर दिया जाए। इससे भी क्या है मौखिक व्यक्ति के अंदर स्पष्टता शुद्धता आती है और मौखिक व्यक्ति को और भी अच्छे से बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है वर्णन, थर्ड पॉइंट है वर्णन। अब बच्चे क्या है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर के साथ बाहर जाते हैं, मेले घूमने के लिए जाते हैं, पिकनिक जाते हैं, टूर पर जाते हैं, तो वो क्या है कई तरह के त्योहार देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, अलग दृश्यों को देखते हैं, तो अब उनको क्या है बयान करना है। तो कक्षा में एक अध्यापक को जो बच्चे जहां जहां गए हैं उनका अलग अलग वर्णन करने का मौका बच्चों को दिया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर कहानी कथन, क्या है जी कहानी कथन। कहानी कथन के अंदर स्टूडेंट कि बालकों को चित्र के आधार पर कहानी कहने का अवसर दिया जाए,
कहानी के मध्य रिक्त स्थानों या कहानी पूरी होने पर बच्चों से ये पूछा जाए कि ये कहानी हमें किस चीज का संकेत दे रही है, तो चित्रों को सामने रखकर बच्चों को बोलना चाहिए कि ये इस पिक्चर को देखकर एक कहानी सुनाओ। इस प्रकार कहानी वर्णन के द्वारा भी मौखिक अभिव्यक्ति के अवसरों को अच्छा बनाया जा सकता है। आप इसके अंदर कोई और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, जैसे बोल दिया संक्षेपीकरण या विस्तारीकरण। तो विस्तारीकरण है जो किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना, अच्छे से उसका संक्षेपीकरण करना, तो ये इसके द्वारा भी क्या है मौखिक अभिव्यक्ति को अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, आज हमने अपना जो थर्ड स्किल मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है, हमने अपनी जो स्किल है क्लियर की फिफ्थ लेक्चर के अंदर। उसमें ये मैंने आपको बताया अर्थ कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का अर्थ, फिर बताया मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व जिसको मैंने अलग अलग पॉइंटों के द्वारा बताया कि दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व, व्यवसाय कार्यों में सहायक, कहानी सुनना या सुनाना, चित्र वर्णन, कविता पाठ, और या जो आप ये भी ले सकते हो जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो हमारे डेली की लाइफ में एक हमारे प्रोफेशनल को भी निखारती है। आज के टाइम में स्टूडेंट क्या है कि अगर हमने किसी स्कूल में क्या है इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे किसी और जगह पर हमने सर्विस करनी है, अगर हम बोलने में इतना एक्सपर्ट है, अच्छे से बोल पाते हैं, तो वो क्या है हमारी टैलेंट को, हमारी स्किल्स को उभारता है। यहाँ तक कि एक जो दुकानदार है उसने अपनी हर चीज को सेल करना है, तो उसके अंदर क्या है जो कस्टमर आया है उसकी दुकान पर, उसको भी अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। वो किसके द्वारा संभव है, मौखिक व्यक्ति के द्वारा संभव है। फिर मैंने आपको बताए इसके उद्देश्य, उद्देश्यों के बाद मैंने बताई इसकी आपको विशेषताएं, विशेषताओं के अंदर मैंने आपको अलग अलग पॉइंट इसके अंदर क्लियर किए, जैसे स्वाभाविकता, स्पष्टता, मधुरता, गतिशीलता आदि चीजें ये क्या है विशेषताओं के अंदर आ गई। फिर बताए मौखिक व्यक्ति को कुशल बनाने हेतु विभिन्न अवसर, तो कुशल बनाने के लिए हमें इन इन अवसरों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों के अंदर, ताकि मौखिक जो व्यक्ति है वो अधिक डिवेलप हो सके। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए, वर्णन होना चाहिए, कहानी कथन होना चाहिए, संक्षेपीकरण या विस्तारीकरण का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारी क्लियर होती है फिफ्थ लेक्चर के अंदर मौखिक व्यक्ति कौशल, ये हमने की है स्किल ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।